हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे संस्कृत स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, क्रोम में जाइए और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान टाइप कीजिए, वहाँ पे साइट खुल जाएगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के पास पहुँच सकते हैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में। अगर हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वहाँ जैसे आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का साइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप पहले वाले पे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, मेन साइट पर पहुँच जाइएगा या डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं, स्क्रॉल करते जाइए। जब भी स्क्रॉल करते जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, पर आपको कहाँ जाना है, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट अवार्ड बारे में जाना है। ठीक है, स्कॉलरशिप एकेडमिक 2020-21 इसी में जाएंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, और ना अन्यथा कहीं जाएंगे तो खो जाएंगे। आप इसमें जाइए, आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे साइट पर, या फिर आप दूसरी साइड से आए हैं तो यहाँ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये बीच वाले में आपको यहाँ पर भी दिया हुआ 2021, यहाँ क्लिक करिए, वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं। स्क्रॉल करिए धीरे धीरे, यहाँ नीचे सबसे जाना है पांचवें स्टेप पे, जहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करना है। ठीक है, इससे ऊपर अगर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कॉलेज वालों को आप क्या कहते हैं मिलकर एडमिन से करके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया कर लीजिएगा। स्टूडेंट वाले पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर, नाम और जीमेल पूछा जाएगा, वहाँ डाल के फिर से यहीं आना है और यहाँ ऊपर वाले में लॉगिन करना है। ठीक है, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ के लॉगिन करना है। ठीक है, तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं कि सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर आपका पहले से हुआ है तो ठीक है, आप कर सकते हैं लॉगिन, अगर नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके तब पोर्टल को ओपन कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहली खुल जाएगा। पहले जब यहाँ दिखाएगा कि योर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लॉगिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका आपका नाम के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे। तो जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप पहले स्टेप पे पहुँच जाएंगे, इसका पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से सुन। तो इसमें आप देखो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है, अगर स्कूल में है तो स्कूल नेम। देखो एक बार डिस्ट्रिक्ट का ना वेस्ट ईस्ट सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसलिए इसके अनुसार आप इसको करिएगा। ठीक है, तभी आपका कॉलेज आएगा। अगर कॉलेज रजिस्ट्रेशन किया है तभी आपका कॉलेज शो आएगा, अगर शो होगा, अगर नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा। आप कॉलेज से क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट करके करवा लीजिएगा। यहाँ अपना नाम आपको भरना है, पिताजी का नाम भरना है, और अपना फोटो अपलोड करना है 50 MB से कम, और साइन भी एक अपलोड करना है। ठीक है, आप ऐसे ही फोटो सिंपल सा फोटो लगा दीजिएगा और साइन करके ऐसे क्रॉप करके लगा दीजिएगा। यहाँ मदर नेम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। ठीक है, जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो सामने कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितने साल के हैं कितने साल के नहीं। आपको यहाँ पे लिंग मेल या फीमेल भरना है, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जो भी है आपका यहाँ भर लीजिएगा जनरल। ठीक है, ईमेल आईडी आप भर दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। अगर आपने लोग रजिस्ट्रेशन किया होगा तो कुछ चीज़ें इसमें आ जाती हैं पहले से। आपको अपना एड्रेस भरना, जहाँ से भी आप अपना एड्रेस भर दीजिएगा, इस वाले नीचे में एड्रेस पूछ रखा है। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से भरना है, कोई क्योंकि इसमें क्या कहते हैं एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, आप भरते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे दिल्ली में रहते हैं 11,000 53 हो गया, 84 हो गया, सारी चीज़ें डाल देना। पिताजी क्या करते हैं ये भी डालना है यहाँ पे, पिताजी। उसके बाद पिताजी का एनुअल इनकम क्या है। ठीक है, एनुअल इनकम लिख के यहाँ पे कन्फर्मेशन पे टिक करना है, टिक करेंगे तभी आप भरेंगे। सबमिट कर देंगे तो आपको कहा जाए पहला स्टेप हो जाएगा। तो सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा तभी आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। तो जब पहला स्टेप हो जाएगा तो आपको सेकंड स्टेप पे चलना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सेकंड स्टेप पे पहुँच जाएंगे। सेकंड स्टेप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बहुत इजी है, बस थोड़ा लोग डरते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो प्रीवियस ईयर को पास हुए हैं वो कौन सा था। अगर फर्स्ट ईयर में है तो आपको 12वीं का डालना पड़ेगा। ठीक है, 12वीं पास, और आप सेकेंड ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर डालना पड़ेगा, थर्ड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का डालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ ईयर प्रेजेंट क्या कहते हैं ईयर पासिंग देना पड़ेगा, जिस ईयर में आप पास हुए थे वो लीजिएगा। फिर यहाँ आइडेंटिटी कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप रोल नंबर यूज कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो। ठीक है, ग्रेजुएशन में है तो आप जो कॉलेज का रोल नंबर, ठीक है, वो आप वहाँ से डाल दीजिएगा। और या तो फिर स्कूल में है तो वहाँ पे स्कूल में भी क्या कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड पे नंबर लिखा होता है, या फिर रोल नंबर का यूज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर लिखा होगा। फिर यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, परसेंटेज सेलेक्ट करना, तो वहाँ संस्कृत पाली पूछा जाएगा और टोटल परसेंटेज पूछा जाएगा। तो संस्कृत पाली में जो आपका संस्कृत का सब्जेक्ट है ना उसका भरना है। ठीक है, और टोटल परसेंटेज में आपके जो टोटल पूरे सब्जेक्ट थे उसका परसेंटेज क्या है उसका भरना है। तो जैसे ही आप उसे करेंगे तो आगे से हमने कैलकुलेट करके आ जाएगा। कैलकुलेट नहीं हो रहा तो उसके खाने पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट होकर आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरे पार्ट में यहाँ देखो सेलेक्ट करना है यहाँ पर कि संस्कृत पाली आप किस में पढ़ना है, मेजर या माइनर में। तो आपको यहाँ मेजर भरना है। ठीक है, अगर ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो मेजर में, और आप जैसे प्रोग्राम वोग्राम के साथ हैं तो वहाँ माइनर आप भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, वरना यही गलत होगा। स्ट्रीम क्या है, मॉडर्न पढ़ रहे हैं या ट्रेडिशनल, वो लिख लीजिएगा। अधिकतर अगर बीए ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न नहीं आएगा। ठीक है, प्रेजेंट क्लास आपका बीए ऑनर्स संस्कृत सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी है, अगर 12वीं के हैं तो 12वीं 11वीं जो भी लिखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट क्लास ईयर जरूर लिखना, ईयर। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट इन क्लास, प्रेजेंट क्लास में। अब आप अगर मान लीजिए
बीए में है, फर्स्ट ईयर में है, तो आप जाहिर सी बात है 12वीं का भर रहे होंगे ऊपर वो परसेंटेज, पर यहाँ आपको प्रेजेंट सब्जेक्ट भरना है कि प्रेजेंट सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ना है, 3, 4, 5 जीई, क्या कहते हैं पोल, क्या कहते हैं जीई और कोर के पेपर जो भी हैं, सारी चीज़ सभी भरना है, ऐसा नहीं। हाँ, जितने भी 4-5 पेपर होते हैं अगर बीए में होंगे तो 4-5 पेपर ही होते हैं, वही भरना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ऊपर मेजर या मॉडर्न, मेजर या मॉडर्न आप जो देख लीजिएगा, जो मेजर वैसे तो ऑनर्स में होंगे तो मेजर ही भरना पड़ेगा, ठीक है। और रिसर्च यहाँ पीएचडी वाला कुछ नहीं भरना आपको, अगर पीएचडी कर रहे हैं तभी आपको इसको भरना, नहीं भरना तो कोई दिक्कत छोड़ दीजिए, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आगे जाके इस पर सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एडिट का ऑप्शन कभी नहीं आएगा और नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने भी भरा है। फिर यहाँ कन्फर्म, ये पीएचडी वाला नहीं भरना आपको, फिर कन्फर्मेशन पे यहाँ क्लिक करके सबमिट कर देना है, एक बार चेक कर लेना कि सारी डिटेल भरी है या नहीं, ठीक है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ जब आप करेंगे, दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा। फिर आ जाएगा लास्ट एंड थर्ड, लास्ट एंड थर्ड जब आ जाएगा तो यहाँ आपकी बैंक अकाउंट का नाम पूछा जाएगा और बैंक नेम, अकाउंट, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आप जिसका बैंक अकाउंट है आप अपना लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा, कहीं का भी बैंक हो, ठीक है, अगर SBI का है तो और बढ़िया है, कोई राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, और एक बार ध्यान दीजिएगा, दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो सारी चीज़ें करनी है अच्छे ढंग से सारी चीज़ें भरनी है, एडिट का ऑप्शन नहीं है कहीं पर भी, पूरे फॉर्म में एडिट का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जब ऐसे क्या कहते हैं यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपको फिर से उसी साइट पे जाना पड़ेगा, या वहीं दिया रहेगा मेन पेज पे जाइए, वहाँ फिर आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म भरा है वो आपको दिख जाएगा और प्रिंट करने के लिए भी दी जाए कि यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जितनी सारी डिटेल भरी होगी वहाँ पे आपको सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।